तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बारे में कि क्या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आपके जॉब प्रोफाइल का वेरिफिकेशन होता है, या मतलब जब आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चल रहा होता है क्या वो आप किस पोजीशन पे वर्किंग थे, आपका जॉब प्रोफाइल क्या था, इन सब का वेरिफिकेशन होता है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जब आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है तो वो इनिशियल से स्टार्ट होता है, आपका करेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आधार कार्ड, आपके ग्रेजुएशन डॉक्यूमेंट्स, 10th 12th डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि आपसे रिलेट करते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। अब बात करते हैं यहाँ, ये तो थी एक प्रेशर की कंडीशन, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक्सपीरियंस कैंडिडेट। अब देखो कई कंपनीज में हम लोग जॉब कर रहे होते हैं, किसी ने एक छोड़ी होती है, किसी ने दो, किसी ने तीन, किसी ने चार पांच कंपनीज वहाँ पे छोड़ी हुई होती हैं, तो क्या होता है कि फिर आपका जो वेरिफिकेशन होता है वो जॉब प्रोफाइल बेस हो जाता है। अब जॉब प्रोफाइल बेस हो जाता है क्या कि फॉर सपोज मैं किसी ABC कंपनी में जॉब करता था, वहाँ से मैंने स्विच कर दी, किसी XYZ कंपनी को ज्वाइन किया, तो जो XYZ कंपनी है वो मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेगी। तो जॉब प्रोफाइल में आपकी जो मेन वेरिफिकेशन होती हैं वो होती है एक आपकी डेजिग्नेशन क्या थी, और वो एम्प्लॉय उस कंपनी में कब से कब तक वर्किंग था, मतलब कि अगर आपने एक साल काम किया और एक साल का एक्सपीरियंस दिखाया तो XYZ कंपनी ABC कंपनी से ये पूछेगी कि ये बंदा इतनी डेट से लेके इतनी डेट तक वहाँ पे वर्किंग था कि नहीं था, और एक कंपनी का वेरिफिकेशन मेल। ये तीन पॉइंट होते हैं सबसे बड़े पॉइंट जो कि ABC कंपनी को देने पड़ते हैं और XYZ कंपनी वो करेगी। बाकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या था वहाँ पे वो कभी शेयर नहीं करता, क्योंकि वो आपसे ऑन मेल ले ही लेते हैं या ऑन मेल आप या उनको आप लास्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप देते ही हो, और प्रीवियस जो कंपनी है वो सैलरी डिस्क्लोज नहीं करती ओवर कॉल या किसी और भी तरीके से, बट आप जब सबमिट करते हो तो उनको इन द लास्ट पता चल ही जाता है। और जब आप UN नंबर देते हो तो वहाँ से भी आपका जॉब प्रोफाइल वेरिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि वहाँ से पूरी डिटेल वो निकाल सकते हैं फॉर्म 16 वगैरह से। तो जी हाँ, जॉब प्रोफाइल का भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। जो चीज़ें मैंने मेन बताई ये प्रीवियस कंपनी से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में ज़रूर पूछा जाएगा, ये कंपनी या ये चीज़ें वो कंपनी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में ज़रूर करेगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।